हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो बढ़िया होने चाहिए, यही सब कुछ अच्छा है। सब अच्छे रहें, बढ़िया रहें, मस्त रहें। भगवान जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, यही मेरी भगवान जी से प्रार्थना है। और समय हो रहा है 5:39। थोड़ा सा हाथ आया इसमें, कैमरे में हल्का सा हाथ कैमरे में आया, कोई बात नहीं, निभा लियो। और 5:40 होने वाले हैं। मैं नहा धो के फिट हूँ बिल्कुल, अर्ली इन द मॉर्निंग। पर रात में ब्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि वहाँ उनके यहाँ गया अस्पताल में, वहाँ मुझे देर लगी और फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। तब सुबह उठ के अब ध्यान करने जा रहा हूँ। ध्यान करने के बाद फिर मैं अपना ब्लॉग करूँगा। आज छुट्टी है, कई काम निपटाने हैं, तो आज तो आपके साथ रहने का मौका मिलेगा पूरे दिन बढ़िया तरीके से। तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, अभी आता हूँ मैं। मैंने ध्यान कर लिया जी, और बाहर आया तो ये एक्सरसाइज कर रही है यहाँ पे। तो मैंने सोची पहले अपनी बात करने से पहले इसकी एक्सरसाइज ही दिखा दूँ। हो तो रही लोटम पोट पर मुझे देख के बैठ गई फिर। और पापा ने कल वाले पत्तों को इतना करने के बाद में तोड़ तोड़ के ऐसा बना दिया। और पापा इनकी खाद बना रहे हैं, देखे लकड़ी ऐसे कर दी छोटी छोटी, अभी ऐसे कर दी, इन्हें भी तोड़ेंगे आज और अपनी खाद खुद बना के फिर उन्हें पेड़ों में गेरेंगे। खाद खुद बनाते रहे मैं, खुद ही गेरते रहे मैं। और अखबार लियो आज से ना मंगवा रहा मैं, आज ही पर्दे उतार दिए बाबा के कमरे के, जैसे ही धो जा मैं। तो धोने धाने का काम तो लगभग मैं पूरा निपट लिया, थोड़ा बहुत आज मैं करवा दूंगा, मेरी छुट्टी है कुछ हुआ तो। गाड़ी से देखो इन्हें आज धो धा के यहाँ क्या सेट कर दिया, गाड़ी भी धो दी सुबह सुबह, कल इतनी गंदी हो रही थी। दो दिन बाद ये फिर गोबर गिर के इसे फिर गंदी कर देंगे, इन्हें शर्म नहीं आती, हमें मजबूरी है कि हम क्या करें, इनका भी काम निमट जाएगा, ये साफ हो जाएगा। और गिप्पी मेरे साथ यहीं आ गई है, हैं? पर नीचे का गोबर प्लास्टर पुताई से हट रही है नीचे की, देखो सीलन की वजह से। हाँ सीलन आ गई वहाँ, ये देखो यहाँ सारा गंदा कर रखा है इन्होंने। 7:01 और गिप्पी निराश होकर बैठ गई। मैं आज अखबार अपना खुद ले आया तो गिप्पी होगी दुखी, अब बैठी अलग। अब मैं थोड़ी देर अखबार पढ़ के पहले अपना ब्लॉग एडिट कर लूँ, कल वाला ब्लॉग डाल दूँ, आप लोग उसे देख लियो, और फिर मैं अखबार पढ़ के बाकी के काम करता हूँ। कल का ब्लॉग ना गिर पाने की वजह से मेरे सुबह 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 वाले जो सब्सक्राइबर हैं, जो 5 बजे वाले हैं, जो सबसे पहले देखना चाहें, वे आज निराश हुए होंगे। अब पूरे दिन मुझे कोसेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कम से कम अब तो गेर दूँ। हालांकि अब छुट्टी है, कोई भी किसी भी टाइम देख सके, पर फिर भी बहुत सारे हैं बेचारे जो जल्दी देखते होंगे, फिर दिन में टाइम ना मिलता होगा। आज इनमें भी कलर पलर लगवाना, दाढ़ी मूछ भी साफ करनी है, सेट बिल्कुल तैयार होगी तैयारी। आज है संडे और आज सुबह सुबह मुझे लग गई चाचा जी का कमरा धोने में। हेलो मम्मा जी, गाड़ी धो पाई? गाड़ी भी धो दी, गोबर में भरी पड़ी, बहुत बुरी चली, सारा भार धोया। तुम गमले करोगे ना आज? हाँ दीदी कह रही थी। हाँ जी, हाँ ये टंकी बंद कर, मेरा तो पेपर है, टंकी बंद करना। और ये देखो वानी यादव सुबह न्यूज़ पढ़े, क्यों न्यूज़ में देख ला क्या पढ़ती है? क्या 1 नवंबर को भूल गई है त्रिया? ऐसी न्यूज़ पढ़े कर बस, ठीक है? ना पिक्चर आ रही है, वो बता रही है, अखबार पढ़ रही है बेचारी सुबह सुबह से। समझ आ रहा है कुछ या बस पिक्चर देख रही है और फिर पलट रही है पेज? दिखा देना न्यूज, 1 नवंबर बेटे टक्कर होगी मस्त वाली, जीतेगा कौन? यही जीतेगी, छोड़िए उस सीरीज में तो हमें बहुत सारे ऐसे देखने टाइम तो शौक है सच में। और टीवी के बाद कौन करी ना कपूर, समझ में आ रहा है कुछ पेपर में?
ले चाचा जी नहा रहे हैं वहां पे, चाची जी रसोई में कर रहे हैं। तो अब पूरा हो गया, तो उठा के मम्मी जी ने ये कमरे में वो नहीं है ना फर्श, तो इसमें पोछा नहीं लग पाता, तो इस वजह से धोना ही पड़ता है, जब भी करना पड़ता है। अच्छा जी नहा रही है, अब आप बाहर का धोगी? अभी देखो ताई जी नमस्ते, ताई जी धो रही है गैल जी, सुबह दिवाली की सफाई तक नहीं चलती आज बेचारी दोनों बहन, वहां से शुरू करा है यहाँ तक लाएंगी लाएंगी लाएंगी, वहां तक धोना है। और कल हमने जो लड़ी लगाई थी 9-10 लड़ी लग पाई थी, क्योंकि अंधेरा हो गया था फिर मच्छर लग रहे थे। ये देखो मेरी दिख रही है, इसमें दिख रही है ऐसे तो थोड़ी थोड़ी, अभी सिर्फ लगी है, सिर्फ यहाँ तक लग गई है इधर तक, अभी ये पूरा रह रहा है वहां से लेके वहां तक का। आज दीदी इन गमलों पे पेंट करेंगे क्योंकि इनका कलर जो उतर गया, और अगर ये मम्मी ने धो दी गाड़ी, क्या चमक रही है वाव। और ये गमला ये वाला वो वाला, और रैंप पर भी अगर कर पाई तो कर देंगे, नहीं तो आज रात को करेंगे, क्योंकि अगर दिन में करेंगी तो इस पर फिर कोई चढ़ेगा तो पैर थक जाएंगे उनके, रात को कोई आता नहीं है तो रात को सही रहेगा। बस बाकी घर तो बढ़िया ही है, वहाँ किसी ने पेड़ कटवा दिया, लंबा ज़्यादा हो रहा है पेड़, उसे भी शायद हम काटेंगे, कितना लंबा होता जा रहा है। तो देखो कैमरा वहाँ पे, फिर ये थोड़े दिन में दोबारा से कैमरे पे आ जाएगा, कुछ दिखने का नहीं है, तो ये काटना पड़ेगा ऊपर ऊपर से। देखियो बालक कैसी लड़ी लगा के गए हैं, सारी फैला कर ऐसे करके चले गए, कह रहे हैं हमने 10 लड़ी लगा दी, अब लगी है जैसे ज़्यादा कट रही हो, और कर रही है छत की सफाई। दिवाली दिवाली तो ये काम रहने, पापा जी अपनी खाद बनाने में लग रहे हैं, पापा जी को अच्छा हिल्ला मिल जावे अपना, बढ़िया लगे रहे हैं। बिल कट का अजीब अजीब सा लग रहा, खाली खाली सा, चलो बढ़ जाएगी 2-4 दिन में, कल तो गाड़ी कितनी सड़ी हुई लग रही है, आज सही है। सब दीदी कर रही है रैंप पे और गमलों पे पेंट। हाँ गाइस इनके बस की तो है नहीं, मैं ही करूँगी। ये रहा दक्ष, अच्छा तो हो गया, अच्छा कर रहे हैं। आधा का हुआ है, पहला गमला ही तो हुआ है। बोल रहा हूँ ये पहले गमले पे हाथ धो गया, अभी आधा भी नहीं हुआ, आपको भी देश में दोबारा होएगा। अच्छा क्यों नहीं, तो लोटी हैं, अरे कहते हैं आपको फिर ब्लॉग को कहेंगे, फिर आप पढ़ने चली जाओगे, ठीक है जा बताइए। चलो चलते हैं, अच्छा जाओ मेरी चाची जी दिवाली का सामान लिख रही हैं, मेरी माँ जी बैठ रही हैं कि वो ऊपर लड़ी लगाई हो, लड़ी लगा दो फिर आप कहेंगे कह दो तो पड़ रही है, फिर आप ब्लॉग बनाने को मैं पढ़ रही हूँ, सच कुछ कर लो हाँ तो अभी कर लो, कर लो ये, कर लो क्या तो दीदी ने कर दिया इन सब गमलों पे पेंट, अभी तो एक ही कोट मारा है, ये कह रही है मतलब इस पे भी सब पे, उधर से लेके यहाँ तक वहाँ बैठ गई थी, उधर एक पैर उधर एक पैर इधर, अभी लास्ट गमला रह रहा है, इसके बाद इस पे दूसरा कोट करेंगे जब ये सूख जाएगा, इसमें कांटे भी हैं बहुत गंदे वाले, आँख में लग जा देखो ये देखो ओ और दिखा ले नहीं यहाँ से कुछ ऐसे लगाए थे देखो, अरे यार मैं पूरी पेंट में हो गई इस टाइम, अपने आप को भी लाल पेंट कर लो, मैं उधर नहीं बैठ सकती ना, पता चले ऊपर से मम्मी बाथरूम में पानी फेंक दिया,
मुख्तारी का खून निकल गया है, बेचारी के पूरा हाथ लाल हो गया और यहाँ से भी निकल गया शिट। और पैसे के लिए इंसान को सब करना पड़ता है। हाँ, पेट के लिए भले ही पेट पला हुआ हो इतना मोटा, ये इनका गाइस दिखता नहीं है पेट, मैंने देख रखा है इनका पेट तो मार खाए बहुत मोटी। अरे यहाँ वो लग रहा है बहुत मोटी है, मुँह पे मार दूंगी फालतू में घंटी बजा रही है, मार दे मुँह पे, खर्चे ने कैसे रखी है जी। अरे उल्टा जवाब दे रही जी कर रहा है, हाथ रोक देगी चल जा शिकायत लगा क्या जा हमार कमीज में रह कर ना मुक्त दिए ना। अरे नहीं ये तो गुड़हल है बोगनविलिया पत्ते। अरे कहाँ चली गई मैंने छोड़ के, जो तुम जाओ अभी आपने बोला सिर्फ एक रह रहा है, ये अभी चमकाई ये भी तो है गेट आ रहा है देखो मैम ऐसा लग रहा है मेरा डेंगू के मच्छर ने काट लिया अभी वो दिन में ही काट के आना। ये जो है ये भी नहीं लगेगी हटके दिवाली पे, ये भी नहीं लगा देंगे पत्तों से खुद बना के है ना दीदी, वो तो पूजा होने तो लगती है तो हम बिन पूजा के लगा लेंगे कहीं का नहीं है हमें। दीदी आप इसका ले ले इनसे मन भर गया ऐसे, मंडे इज टू लॉन्ग, कौन सा मंडे मना रही है तो आज तो संडे है जा इंग्लिश भी नहीं आती क्यों पहला का बैठा यू बदतमीज कौन बदतमीज है घंटी बजा के गई मैंने क्यों बजा करी मेरा मन किसी को बुलाना हो तो बुला लेना। हाँ पहले हम लेंगे ब्रश, ये पेंट जिसमें 1/4 पानी मिला हुआ हो उसको ऐसे कुछ कुछ वॉशिंग मशीन की तरह चलाएंगे ऐसे इसको करेंगे, फिर वन देखो पहले आप ऐसे कहीजिए ऐसे ठीक है, फिर आपको ये फिल करने हैं ऐसे 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 ऐसे, और अगर किसी के घर ऐसे वाले टाइल हुई ना तो ऐसे ऐसे मुझे बुला के पता कर, और जैसा मैं आपको दिखाती हूँ फैल गया इधर तो आपको एक गीला कपड़ा लेना है। तो ये फैला ही क्यों है वो हम आपको बताने के लिए फैलाया ना जैसे हम आपको बता सके, देखिए ऐसे रैंप साफ भी कर सकते हैं गीले कपड़े से। और गाइस अब आगे तेजी से हाथ बढ़ाते हैं हम अपना, अरे काम करना मैं बता रहा हूँ कपड़े से ना इसे पकड़ ले और फिर इसे फलाती चली जा, जल्दी नहीं होने का ज्यादा लगेगा फिर कहीं कहीं। अरे तुम ऐसा भी कर रहे हो और यहीं से गाड़ी निकलेगी, फिर गाड़ी कहाँ निकलेगी अंदर से, कौन सी फोर व्हीलर अंदर कौन सा फोर व्हीलर, फोर व्हीलर फोर व्हीलर देख इस वाले पे कितनी ये घिसे से और ये वाले कितनी बढ़िया चमक आ रही है, ये नई लगी थी नहीं ऊपर की। चलो एक काम करो फिर ना फड़वा के दूसरे पे गाइस, गमलों पे और रैंप पे फर्स्ट कोट तो हो गया, अभी दिखाती हूँ आधा मैंने करा था रैंप आधा नित्या ने, क्योंकि इतना मैं कर रही थी नित्या खाना खा रही थी और इतना मैं खाना खा रही थी नित्या कर रही थी, तो ये फर्स्ट कोट हुआ है अभी और गमलों पे भी हो गया थोड़ा एक एक बार। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर लाइट लगाने लड़ी चाचा जी को लेकर, आज चाचा जी कनेक्शन कर देंगे जिससे वो चल जाए, आज संडे तो काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वरना और दिन तो पापा जी चाचा जी काम में रहते हैं हो नहीं पाता और कनेक्शन हमसे होने के नहीं है, और एक पेंट का डिब्बा हमारा ख़त्म हो चुका है मैं एक और लाना पड़ेगा आई थिंक सो, क्योंकि इस पर सेकेंड कोट होएगा वो सोच रहे हम रात को करें या शाम के टाइम, अभी इसे सूखन दें अच्छे से। हाँ तो करना पड़ेगा ब्लैक ब्लैक, इतना पता भी चल जाएगा जब ये सूख जाएगा कि कहाँ ज़रूरत है अच्छे से कहाँ नहीं, उसी हिसाब से पेंट लाएंगे। और चलिएगा इस ऊपर चलते हैं टिंग टिंग करते हुए, चलिए चलिए चलिए, ये थोड़े पैसे हैं ये मैं इधर रख देती हूँ, माँ जी ने अपने उनके हाथ सारे कपड़े निकाल दिए पापा जी के,
रख दिया अलमारी में सेट करके। पापा यहाँ सो रहे हैं, वानी नहा रही है। चाचा जी आ जाओ। पापा जी के पता नहीं कहाँ दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे फोन नहीं पकड़ा जा रहा है। देर कपड़े सूख रहे हैं, पापा जी अपने पेड़ों में ही लग रहे हैं। इतनी पापा जी ने साफ कर दी। पापा जी अपने पेड़ों में नेचुरल खाद डालते हैं कि पीछे ऊपर और खरीद कर नहीं डालते, खुद ही बनाएंगे, खुद ही डालेंगे उसे। मुझे लगता है इनके कवर धो दिए सोफों के, गद्दियों के। ये बब्बा जी का ले ले छोटू, और ये उठा ला चलो। ओह अरे वाह, ऐ मेरे कमरे में तो ये पर्दा था, मुझे आज ऐसे क्यों लग रहा है बदल दिया। ये तो है, ये यहाँ रख देते हैं अपना बेबी को। चलो मैं सोच रहा सांस भी चढ़ रहा है। रात दवाई ली थी, अभी रह रही है लेनी, भाव जी ने बताई थी, वे लाई थी मैं, वे ली, थोड़ा ठीक तो नहीं है, ऐसी है खांसी सी महसूस हो रही है। अरे तत्तैयों ने फिर से अपना छत्ता बना लिया, हमें लग रहा था हमने भगाया अब नहीं आने का, फिर बना लिया। तो कल बस इतनी लड़ी लटका पाए थे, अंधेरा हो गया था, मच्छर खा रहे थे ना बहुत ज़्यादा इस वजह से। चलिए गाइस, हमने आधी लड़ी लगा दी, अब पता चला आधी ब्लू थी आधी वाइट थी, और लगानी थी ऑल्टरनेटिव की, एक वाइट एक ब्लू, एक वाइट एक ब्लू, और हमने सारी वाइट लगा दी। बात नहीं होता है हमारे साथ, अब फिर हटाएंगे फिर लगाएंगे। यार इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गंदी। अच्छा जी अभी मत लगाओ, फिर अब उसी हिसाब से लगाएंगे ना वाइट ब्लू। क्यों क्यों, पहले एक वाइट एक ब्लू यहाँ से करो, फिर उधर से। जैसे कि आप सब देख सकते हो चचेरी चढ़ गए ऊपर, ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ तो हमने सारे में लगा दी, सारे में, यहाँ बहुत दिक्कत हुई थी तो चचे ने यहाँ पे ये कर दिया, क्या ये डंडी लगा दी, क्योंकि यहाँ पे फिर से तो तैयार आ गए, फिर से छत्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे में घूमने जा रहे हैं, तो कभी काट लेते इस वजह से परेशान कर रखा है। हमने ऐसे लगाई है, मतलब दो वाइट एक ब्लू, 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 ऊपर भी ऐसे ही है। अब बस लगने वाली है, इसके बाद इनके कनेक्शन हो जाएंगे। बस बहुत तगड़ी धूप है, ये देखो पसीना है बस, कहाँ तो सर्दी आ रही है, और अब देखो कितनी तगड़ी धूप है। और दीदी नीचे से पकड़ रही हैं, और ये आप देख सकते हो पेंट करा था हमने तो हाथ पूरे लाल लाल हो गए, ये वाला भी हो रहा है। हाँ जी ये डिब्बा रखा, हाँ ये डिब्बा, ये तो रखी है एक सफेद साबुत, तो वही तो कह रही हूँ, आप कह रहे हो छोटी है ये, नहीं मुझे ध्यान ना है इसका, चल दे ये मैंने तो पड़ी थी अभी तो। गाइस हमने लड़ी सारी लगा दी, देख लेते हैं जल रही है या नहीं, आपको चमक नहीं रही होंगी वैसे, जल रही सब है, बाद में रात को देखो। गाइस हमारी शक्ल देखने लायक हो रही है, 12:30 हो रहा है, अभी तक काम नहीं हुआ, नहाना भी है फिर, और एक लड़ी नहीं जल रही अब भी, वो देख लिया देख रही हूँ। आ गया बस, हाँ जी ये यहाँ लगाने का इंतजाम कर रहा है, जिससे ऊपर जा जाके बार बार जलानी ना पड़े, सबसे ऊपर से तार नीचे आ गया। थक गई, सिर में भी दर्द हो रहा है, हम नहा के थोड़ा ठीक लगेगा। जा रही है, देखो हाथ पकड़ के कैसे जा रही है, इन्हें खरीदने हैं सेब। अरे जा भी उसी के रही है जिसने इन्हें गाड़ी में से उतरते हुए देख लिया, हमने प्लानिंग करी कि गाड़ी में से दूर उतरियो और फिर वहां जाके गाड़ी में बैठा लो, नहीं तो सेब के रेट उल्टे सीधे लगा देंगे, तो बंदी यहीं से हाथ पकड़ के चलिएंगे होंगे कोई, चलो देखो क्या करेंगी। और मैं हूँ, मम्मी जी हैंगी, और ये दोनों हैंगी,
हम जा रहेंगे दीक्षा की मम्मी के पास में, उसके पापा का कल ऑपरेशन हुआ है, तो कल तो मम्मी जी को मैं वहाँ लेके ना गया, देर हो जाओगी। मम्मी तो कर रही है जिधर चल भैया चलूंगी, फिर मुझे पता है 3-4 घंटे लगेंगे वहाँ, इतने में मम्मी के घुटने की हालत खराब हो जाती, तो फिर मैं आपको मैं कल मिला लूँ वहाँ। तो अब इसकी मम्मी भी यहीं है, दीक्षा भी यहीं होगी, तो सारे यहीं मिल जाऊंगे, घर ही चल रहे हैं उनके, और कल लेके जा रहे हैं, शायद मिल जाएंगे मुझे लग रहा। तो अब यहाँ से लेके फिर वहाँ चलते हैं, फिर मुझे पापी की रिपोर्ट दिखाता नहीं, मैं रिपोर्ट दिखाई आऊँ, ये वहाँ बैठ लेंगे। और ये ले लिए हैं जी, एप्लू, ये देखो मेरा 500 का करारा नोट गया उसके पास। मेरी पत्ता, फाइनली क्यूटी, कैसा है मेरा बच्चा? नींद में सुनावेगा मेरे ब्लॉग में गाना, लड्डू सुना, चल अभी सुनाएगा। और ये बैठी हमारी दीक्षा, हेलो, कितनी सुंदर लग रही है, और कैसे भेस हो गए, कौन सी आ रही है, और मिशन सक्सेसफुल हुआ जी, ये बिल्कुल फिट भगवान की दया से ऑपरेशन करवा के घर आ गई है, और आज और इन्हें आराम करना, कल से खाना पीना शुरू, और सबके चेहरे देखो प्रसन्नता से खिले हुए हैं। ये हमारा छोटा हाथी है देखो, हीरा छोटा हाथी है, एक घर पे है, अच्छा तन्ने भी छिपा ली, रक्षक क्या कम है इसके, लड्डू क्यों छिप रहे, इसलिए इसलिए इसके बिस्किट नहीं दिया, इसलिए उसके पकड़ ले, देख मालिक ले, ओए रखे दे, ले ले, हम क्या इसका भूल दी, पापा जी भी आ गए थे, उसके बाद अब खाना वाना बन रहा है, 6 बज गए शायद, खाना बन रहा है, और नित्या टॉयलेट में बैठी है, मैं और वानी आपको दिखाते हैं, हमने जो लड़ी लगाई थी बंदर पता है उन्हें तोड़ गए थे, चाचा ने दोबारा जोड़ी, हम दिखाते हैं कैसी लग रही है बाहर, और नित्या टॉयलेट में उधर की थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, ज़्यादा चमकती है, शायद उधर जाने पर ये वाली चमक है, वो दूर हो गए ना इस वजह से, ऐसा अभी हमारा घर लग रहा है, और ये बीच की थोड़ी ये वाली जो है टेढ़ी इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ बेल है, तो बेल के ऊपर आ रही है, बिल्कुल फ्रंट व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं, अब देखिए आप ऐसा ब्यूटीफुल। नित्य निकल गई है टॉयलेट में से, मैं गेट बंद कर देती हूँ, ये गेट बंद नहीं हो पाएगा, गाइस रुक जाओ, और आज बहुत टाइम बाद मैंने जूतों की जगह चप्पल पहनी है, और ये मेरी 8th क्लास के बर्थडे था, जब 8th क्लास में थी तब आई थी, और ये मैंने आज पहनी है, वाली को बाहर छोड़ी उधर से आ जाएगी, आइए नित्य टॉयलेट से निकल गई, आगे देखते हैं क्या करना है, आप देखिए रिपी वेट कर रही है, जल्दी हो तो कैमरा देख के, माँ जी खाना खा रही है, हाय माँ जी, हाय पापा जी ने कलर लगवाया, लेट रहे एप्पल, मैं तो ऊपर क्लिक कर रखो, इन्होंने लाइट लगाई है, और ये टॉयलेट आई थी, आइए चाची खाना देनी, क्या क्या है खाने में, बस मत पूछो, ऑप्शन बहुत है, तो मुझे सागर कढ़ी दोनों चाहिए ऑप्शन में, थोड़ा सा खाना वाना खा लेते हैं फिर मिलेंगे, हमने खाना खा लिया था, अब मम्मू जी खा रही हैं यहाँ खाना, कन्या जी मरी है बैठ के नीचे अपने ठिए पे, हाँ माँ चाची जी अपने ठिए पे बैठी है, ये नित्या पढ़ने जा रही है, चाचा जी यहीं बैठे हैं, और मैं पापा जी जा रहे हैं, मैं पापा जी वानी जा रहे हैं लड़ी देखने, मतलब लाइट देखने, रोड पे सजावट देखने दिवाली की, और कुछ नहीं, ओके गाइस चलो बाहर खड़े।
टाइम हो रहा है जी 11:15 और मेरी एडिटिंग अभी चल रही है। आज वीडियो एडिट ही नहीं हो पाई और मुझे याद आया मैंने वीडियो बंद भी नहीं करा, तो मैं इसे बंद करके एडिट करके अपलोड करके सोऊंगा। आप अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।